प्याज इन दिनों आम आदमी को रुला रहा है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद की सब्जी मंडी में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्याज की क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है। बताया यही जा रहा है कि प्याज जो है वो पुराने प्याज है जिसकी वजह से क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, जबकि प्याज के जो दाम है वो आसमान को छू रहा है। अहमदाबाद के बाज़ार में प्याज के दाम जो है वो करीब 70 से 80 रुपये किलो के दाम पर छू रहे हैं, जबकि अगर रिटेल की होलसेल की बात की जाए तो होलसेल में यही दाम करीब 45 से 50 रुपये के किलो के बीच में है। हमारे साथ यहाँ पे ये जो प्याज बेचने वाले हैं वो मौजूद है। आप बताइए प्याज के दाम बढ़ने की वजह क्या है? प्याज के दाम बढ़ने की वजह ये है कि महाराष्ट्र में प्याज अच्छा नहीं निकलता है, अभी बारिश गिरने के बाद नया माल नहीं निकला है, निकला है तो सारा खराब निकल जाता है। अब पुराना प्याज इतना है तो फिर वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और पुराना प्याज की हालत भी अभी ऐसी हो गई है, ये प्याज आ रहा है उसका कोई कारण नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, कुछ भी नहीं, जितना माल मिलता है इतना लेके आते और इतना बेचते। बिल्कुल, जितना जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब आ रही है, साथ ही जो दाम है वो दाम काफ़ी ज़्यादा है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से बारिश हुई है, फ्लड आया है, जिसकी वजह से जो नई फसल है वो इस बार मार्केट में अब तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से अहमदाबाद के बाज़ारों में प्याज के दाम काफ़ी ऊपर है। लोगों को प्याज रुला रहा है क्योंकि प्याज के दाम अहमदाबाद के बाज़ार में 70 से 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से छू रहे हैं। वैसे में जो यहाँ पे लेने के लिए गृहिणी आती है उनका जो पूरा बजट है वो प्याज के चलते बिगड़ चुका है। जहां प्याज महंगाई के आंसू लोगों को रुला रहा है तो वही पेट्रोल के बढ़ते दाम ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के पेट्रोल पंप पे और यहां पे अगर पेट्रोल के दाम की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते के अंदर ही 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि हर रोज 10 पैसे 15 पैसे की जितने बढ़ोतरी होती है जो आम इंसान के जहन में नहीं आता है, लेकिन अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है पेट्रोल के दाम के अंदर। पूछते है, ये बताइए काका कि अहमदाबाद में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है पिछले एक हफ्ते में? 2 से 3 रुपए की। 2 से 3 रुपए की पिछले एक हफ्ते के अंदर बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल के दाम पे, जो आम आदमी के लिए काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें हर रोज इसी तरीके से टू व्हीलर्स पर ट्रैवल करना रहता है, वैसे में उनका जो पूरा बजट है वो भी खराब हो जाता है। हमारे साथ ये शख्स मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं, चाचा ये बताइए कि कितना असर होता है आपके बजट पे? ये अपने बजट पे असर भी होगा क्योंकि ये सब बढ़ता जा रहा है, इस पर कोई महंगाई के कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है, तो महंगाई तो बढ़ेगी हर रोज 10 रुपए से 15 पैसे पड़ते हैं, पता चलता है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई 100% बढ़ रही है और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कौन ध्यान देगा, किसको पड़ी है, मेरे को पड़ी है, मैं क्यों ध्यान दूँ जब बोलने वाले ही है, जबकि आगे तक अपनी बात नहीं जा रही है। तो हर रोज जो दाम है वो 10 पैसे 15 पैसे इस तरीके से बढ़ रहा है, जिसके चलते आम आदमी की जेब पे अगर एक हफ्ते के अंदर देखने जाए तो 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल के दाम में, जो उसका जो बोझ है वो बढ़ा है आम आदमी की जेब पे। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पे है जो इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं पेट्रोल स्कूटर के पर, और उनकी जेब पे इसका असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आमदनी वही की वही रहती है, रिसेशन की बातें होती है तो वही पेट्रोल के दाम हो या प्याज के दाम हो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।